तमाम जहां पेश है 2 जुलाई और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत का रूट हो चुका है तय। राजस्थान में अब चलेगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन, मोदी करेंगे रवाना। कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन, इसको लेकर किराया भी तय हो चुका है। रेलवे ने आपको बता दें कि एक प्रेस नोट भी दरअसल जारी कर दिया है। राजस्थान को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जोधपुर से साबरमती गुजरात के बीच चलेगी। इसको लेकर पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई से होगी, लेकिन इससे पहले 4 जुलाई को इसका ट्रायल होगा। जोधपुर से साबरमती के बीच 5 स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। इसके संचालन से पहले रेलवे की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। ट्रेन के सफल संचालन के लिए अहमदाबाद से जोधपुर चलने वाली 7 ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव भी किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि दरअसल 3 महीने पहले ही अजमेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चली थी। अब ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो जोधपुर से साबरमती गुजरात के लिए चलेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से धीमा पड़ेगा बारिश का दौर। बीकानेर, टोंक समेत कई जिलों में 4 इंच तक बारिश हुई। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा अच्छी बारिश का दौर आज से धीमा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर एरिया के कमजोर पड़ने के कारण राजस्थान में भी अगले कुछ दिन बारिश कम ही होगी। हालांकि कल देर शाम बीकानेर, टोंक, जयपुर समेत कई जिलों में 2 से लेकर 4 इंच तक बारिश हुई है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में आज सुबह से ही मौसम शुष्क है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, पाली, गंगानगर समेत कई जिलों में धूप निकल चुकी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए हुआ महंगा। पिछले महीने 84 रुपए हुए थे कम, अब चुकाने होंगे 1803 रुपए। देश में आज सरकारी तेल कंपनियां IOCL, BPCL, SPCL ने LPG गैस की कीमतों का रिव्यू किया है। कंपनियों ने शनिवार को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जिसकी दरें आज से लागू हो गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, BJP खोलेगी गहलोत सरकार की पोल। 5 जुलाई को बीकानेर में पशुपालकों के सम्मेलन से होगी अभियान की शुरुआत। विधानसभा चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति के तहत काम कर रही है। पिछले महीने BJP ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जयपुर में बड़ा आंदोलन किया था। वहीं जून महीने के अंदर अंतिम 3 दिन लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे राजस्थान में हुए। वहीं अब जुलाई को लेकर भी BJP का प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल 5,13,000 पशु मरे हैं, मदद केवल 41,000 को ही मिली है, जिसको लेकर BJP ने दावा किया है कि बीकानेर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बीकानेर में ये पशुपालकों का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं झुंझुनू में एक किसान सम्मेलन होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सियासी चर्चाओं पर हरीश चौधरी का खुलासा। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब प्रभारी से हटाया जाए। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं पार्टी विधायक हरीश चौधरी से मुलाकात हुई। इसके बाद जयपुर में पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट फिर से CM अशोक गहलोत से मिलने के साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ने के साथ ही अलग अलग कयास लगाए जाने लगे। कयासों में एक कयास भी लगाया जा रहा था कि CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के लिए राहुल गांधी ने हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी है। हरीश चौधरी ने मीडिया से खास बातचीत की, इसमें उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब कांग्रेस प्रभारी पद से हटाया जाए। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 11 शहरों में जहर हुआ पानी। कैंसर से उजड़े परिवार, शरीर का रंग नीला पड़ चुका है। ये बात खुद PHD डिपार्टमेंट मान रहा है कि राजस्थान के 11 शहरों का पानी सेहत के लिए हानिकारक है। हाल ही में पानी की क्वालिटी को एक सर्वे करवाया गया। मई जून में कराए गए सर्वे में सामने आया कि 11 शहर तो ऐसे थे जहां का पानी बिल्कुल पीने लायक ही नहीं है। रिपोर्ट के बाद मीडिया ने इन 11 शहरों में ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया तो चिंताएं बढ़ाने वाली हकीकत सामने आई। 10 साल से बच्चे से लेकर 25 साल के युवाओं के दांत बुजुर्गों की तरह कमजोर होकर टूट रहे हैं। पुरुषों ही नहीं, महिलाओं के सिर के भी बाल उड़ रहे हैं। इस पानी से रोज बर्तन धोने के कारण महिलाओं की स्किन काली पड़ रही है, बच्चों की स्किन का कलर नीला पड़ रहा है। अलवर का गोविंदगढ़, भिवाड़ी और खैरतल, भरतपुर का नदवई, चूरू का रतन नगर, झुंझुनू का नवलगढ़, सूरजगढ़ और सिड़ावा, सीकर का फतेहपुर और शेखावटी, रामगढ़ शेखावटी और लोसल शहर, ये 11 वो शहर है जहाँ का पानी जहर बन चुका है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2 भाइयों ने एग्जाम देकर 26 को दिलाई सरकारी नौकरी। 2 भाइयों ने 8 साल के अंदर राजस्थान में निकली सरकारी भर्तियों की अनगिनत एग्जाम दिए, लेकिन खुद के लिए नहीं, किसी एग्जाम में मांगीलाल की जगह बैठे तो किसी में सुरेश बिश्नोई की जगह। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया कि एग्जाम ये दे देते और 26 लोगों को सरकारी नौकरी लग गई। कोई पुलिस में कॉन्स्टेबल बना तो कोई माइंस
पार्लियामेंट में भर्ती हुआ। 2018 में निकली कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा पहला मौका था जब छोटा भाई बड़े भाई की जगह एग्जाम देने चला गया। परीक्षा पास भी कर ली लेकिन एक गलती के कारण पकड़े गए। फिर पुलिस के शिकंजे में आए दोनों भाइयों ने वो खुलासे किए जिससे सामने आया कि राजस्थान का सबसे बड़ा नौकरी कांड इन्होंने ही रचा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीपी जोशी की नई टीम का ऐलान। अध्यक्ष बनने के 3 महीने बाद ही सीपी जोशी ने एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। 29 लोगों की इस टीम में 20 नए शहरों को शामिल किया गया है। सीपी जोशी ने अपनी टीम का ऐलान पूरी तरह से विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया है। सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं जिन्होंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के चलते एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ओवैसी की जयपुर के रामलीला मैदान में सभा। विधानसभा चुनावों को देखते हुए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राजस्थान पर फोकस शुरू कर दिया है। ओवैसी रविवार से 2 दिन के लिए जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी रविवार शाम आज जयपुर के रामलीला मैदान में सभा करेंगे। सभा में प्रदेश भर के प्रमुख कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे और स्थानीय नेता रैली के लिए कई दिनों से तैयार हो चुके थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज और सामूहिक विरोध, व्यापार मंडल होगा एकजुट। राज्य सरकार की ओर से 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना पर अब फ्यूल सरचार्ज की भारी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजली कंपनियों की ओर से वसूले जा रहे फ्यूल सरचार्ज के विरोध में अब जयपुर व्यापार मंडल ने प्रदेश के सभी व्यापार मंडल को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसानों को हर साल 50,000 रुपए का लाभ मिले, ये मोदी सरकार की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि उनकी सरकार का कृषि क्षेत्र और किसानों पर वार्षिक खर्च 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही ये भी कहा है कि प्रत्येक किसान को हर साल लगभग 50,000 रुपए का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। पीएम ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, मैंने जो किया है बता रहा हूँ, वादे नहीं बता रहा हूँ। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 2023 के राजस्थान के रण में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर को देंगे गहलोत सरकार का बड़ा दांव, मिलेंगे 5 लाख रुपए तक। राजस्थान में इस साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सियासी रण तैयार हो रहा है। बीजेपी ने सांसदता में वापसी के लिए जमीन तैयारी करनी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस जीत के लिए हर दांव पेंस अपना रही है। इसी कड़ी में गहलोत सरकार ने यूट्यूबर्स को चुनाव से पहले अपने कल्याणकारी कार्यों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के लिए पैसा देना शुरू कर दिया है। ऐसे में विज्ञापन लगाए जाएंगे, सरकार के ये विज्ञापन लोगों को लगाने होंगे जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर अकाउंट बड़े हैं और ट्विटर हैं, इन लोगों को सरकार फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार पैसा देंगी। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कन्हैयालाल मामले को लेकर है। कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह पर खेला दांव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह पर पलटवार कर दिया है। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।